हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आस्था के नाम पर चल रहे अय्याशी के खेल की पूरी कहानी जानेंगे तो हैरानी होगी। हम आपको बताते हैं कि कौन है ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और कैसा था इसका आश्रम। ये जानने के लिए सबसे पहले इस आश्रम को देखिए जिसका नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। खुद को भगवान बताने वाले इस बाबा का सच क्या है? उसके इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से चर्चित इस इमारत के अंदर होता क्या है? ये तमाम सवाल जेहन में उठते हैं जब आप रोहिणी के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर का ये नज़ारा देखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उसके भगवान वीरेंद्र देव दीक्षित की हकीकत। आश्रम खुद को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिद्धांतों से जुड़ा बताता है। भारत में घोषित और अघोषित तौर पर हैं करीब 200 आश्रम हैं। फर्रुखाबाद, दिल्ली, कोलकाता, झांसी, लखनऊ, कानपुर, बांदा, माउंट आबू में आश्रम हैं। मोक्ष पाने के लिए लोग आश्रम में अपने बच्चों को समर्पित करते थे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आश्रम में करीब 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। बाबा रोज रेप करता था। जो लोग बाबा के झांसे में आकर लड़कियों को दान करते थे उन्हें सालों तक बाबा अपने बच्चों से मिलने नहीं देता था। पीड़ित बताते हैं कि यहां अलमारियों में कॉन्डम भरे रहते थे और ड्रग्स तक दिए जाते थे। इस इमारत को चारों ओर से ग्रिल से जकड़ा गया था, कुछ इस तरह की बिना इजाजत कोई परिंदा भी यहां पर ना मार सके।